नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। जेएसएससी वाली परीक्षा नजदीक आने वाली है और ऐसे में इतिहास को लेकर के खास वीडियो है, प्राचीन इतिहास से संबंधित होगा, जिसमें शुरुआती समय से आपको बताएंगे। इसके पहले भी हमने झारखंड के 3 अलग अलग वीडियो बना चुके थे झारखंड जीके में, क्योंकि ये 30 मार्क्स का पीटी में है और मेंस में भी 40 मार्क्स का है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि 40 क्वेश्चन है इनफैक्ट, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप झारखंड जीके हमारे साथ करते रहिए। बाकी जीके की सामग्री भी आपके पास जरूर होगी। तब जब इतिहास की बात करते हैं तो झारखंड में पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल और फिर मगध तक की बात हम डिटेल्स में करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकता है। जब पूरा पाषाण काल बोला जाता है तो इसका मतलब होता है उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, मतलब कोई पत्थर पर चीजें हैं या टेराकोटा जो एक मिट्टी होती थी जिसको जला करके बनाया जाता था, सील्स जिसको बोलते हैं, आज जो स्टंप लगाते हैं आप सील्स जैसा, वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी था। तो उसके पहले भी जो पत्थरों पर जानकारी होती थी उसे लेकर के इतिहास की तैयार किया जाता था। तो 5 लाख साल पहले से अगर बात किया जाए तो 5 लाख साल पहले का इतिहास जो है वो पूरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। अब इस काल में मुख्य जीवन क्या होता था, तो उसको कहते थे वन संग्रहण करना या फिर आखेटक, मतलब उसमें जंगली जानवरों का शिकार करना, ये मुख्य चीजें उस समय में होती थी। संग्रह काल इस कारण से बोला जाता है कि खाना पेड़ पौधों से निकालकर संग्रह करना है। तो लिखित सामग्री चूंकि इसकी नहीं है कोई भी चीज है, तो वो जो पत्थर पर सामग्री मिली है इसलिए उससे निकाल करके इसे सामने इतिहास में लाया गया है। तो इस काल में इतिहास का जो स्रोत अगर देखेंगे तो सोर्स के रूप में कुछ पत्थर का औजार मिल जाएगा, कुछ बड़े बड़े पत्थरों पर लिखी हुई सामग्री मिल जाएगी जो पिक्टोग्राफिक जैसा होगा, मतलब सीन के रूप में या फिर कोई चिन्ह के रूप में बनाया गया होगा। आभूषण मिल सकता है, टेराकोटा जिसको बोलते थे, कुछ मूर्ति मिल सकती है। तो सिंपल भाषा में अगर समझते हैं तो पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल के आगे जब कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ था, और फिर आता है ताम्र पाषाण काल, मतलब उसमें तांबा की शुरुआत हो गई थी, कॉपर के बारे जानकारी हो गया था, और कांस्य में फिर लोहा का एज आया जब मगध का विकास हुआ, और इसके बाद लौह युग का आगमन से आगे की इतिहास है। तो ये जो हम लोग जब पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो अगर झारखंड में देखें तो इसके कहां कहां पर अवशेष मिल सकते हैं, इसमें हजारीबाग है, बोकारो, रांची, देवघर, सिंहभूम जो अभी 3 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां, दामोदर घाटी में भी इसका मिल जाता है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है और इसे बंगाल का सौरभ भी कहा जाता है दामोदर को। तो इस इलाके में पूरा पाषाण काल के औजार पाए जाते थे, खास करके नदी के किनारे किनारे जो उस काल में से शंख नदी है या सोनरेखा के भी किनारे इसके अवशेष मिलते हैं। मध्य पाषाण काल को अगर देखते हैं तो ये 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 5000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। मतलब पूरा पाषाण काल तो 50000 से लेकर के आप 5 लाख से ही जोड़ लें तो 10000 ईसा पूर्व है, लेकिन अगर आप मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये 9000 से लेकर 5000 ईसा पूर्व तक का इसको माना जाएगा। और इसमें अगर सोचते हैं तो क्या शुरुआत हुआ, क्या वही चीजें चल रही थी या फिर कुछ चेंजिंग आया, तो इसमें खास तौर पर देखेंगे तो जानवरों को अपने साथ रखने की परंपरा का विकास हो गया, मतलब पशुपालन की आंशिक शुरुआत हो चुकी थी, चाहे वह बकरी हो सकता है, वह डॉग हो सकता है। डॉग की जानकारी हालांकि पूरे पूर्ण रूप में तो सिंधु घाटी में मिल जाता है, लेकिन मध्य पाषाण काल में भी डॉग को पालने की शुरुआत ये हो चुका था उस समय में। और इसी काल में मानव जो था, जो क्वेश्चन अक्सर आता है कि मनुष्य को आग की जानकारी कब मिली, तो आग की जानकारी मध्य पाषाण काल में मिली। तो इसका अगर आप कालखंड सोचेंगे तो 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 5000 ईसा पूर्व के बीच में अग्नि की जानकारी हो चुकी थी। अब प्रमाण इसका कहां पर है, तो इसकी जो जानकारी मिल रही है उसमें धनबाद में इसकी जानकारी है, दुमका में इसकी जानकारी है, पलामू, रांची में दोनों चीज की जानकारी मिल रही है,
और सिंहभूम में पश्चिमी पूर्वी दोनों से मिल रही है जानकारी। और इससे पता चलता है कि मानव इस क्षेत्र में रहना शुरू कर दिए थे, मतलब आज से 9000 ईसा पूर्व का मतलब हुआ कि 0 ईस्वी ईसा मसीह जी का एक डेट लाइन है जन्म का, उनके जन्म से 9000 साल पहले की बात है। और आज हो गया 2019, तो इससे अगर उतना साल पहले चले जाएंगे तो लगभग 11000 साल पहले मानव के रहने का एक प्रमाण जो है वो इन सिंहभूम में छोटा नागपुर के कई क्षेत्र में वो मिल जाता है। और अगर स्थान देखेंगे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में तो बड़का गांव एक जगह है, बहुत से लोग वहाँ के हमारे पास जुड़े हुए हैं जो मैसेज करते रहते हैं। मांडू भी है, रजरप्पा काचिन मस्तिका मंदिर काफी फेमस है रजरप्पा, और इन दिनों टूरिज्म सेंटर रजरप्पा को विकसित किया जा रहा है। नो प्लास्टिक जोन भी डिक्लेयर कर दिया गया है रजरप्पा को। और पुरातत्व सामग्री यहाँ से मिला, इसमें कुल्हाड़ी है, बेखनी है, खुरचनी है, तछनी, तो ये सारी चीजें इसके साथ में बेचड़ जो होता था उस समय में, ये सारी चीजें हजारीबाग के इसको नामक एक स्थान है इसको, तो इसको से प्राप्त हुई है। एक ही पत्थर के मतलब सिंगल लार्जेस्ट जो रॉक होता है उस पर कई चीज दिखता है कि आदि मानव होते थे, जिसका पत्थर पर जो आकृति बनी हुई है उस काल में अगर मानव नहीं रहा होगा तो आकृति कोई कैसे बनाया होगा। इससे पता चलता है कि आदि मानव की जानकारी भी इसको नामक स्थान से हजारीबाग में प्राप्त हो रही है हमें। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि 6वीं शताब्दी का मौद जो बौद्ध धर्म का मठ होता था इसका प्रमाण भी मिल जाता है। सीतागढ़ एक जगह है और यहाँ से ग्रे सैंडस्टोन जो है ग्रे कलर का उस पर बौद्ध धर्म का जानकारी है, बौद्ध गौतम बुद्ध की तस्वीर के बारे भी वहाँ पता चलता है, तो इससे भी जानकारी मिल रही है कि बौद्धिज्म की भी जानकारी उस समय में हमारे झारखंड में हो चुका था। और इसके साथ साथ बुद्ध भगवान की जो चार आकृति की बात की जाती है बराबर, देखिए गौतम बुद्ध के बारे कहा जाता है कि वो जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो जीवन और मृत्यु को सोचना शुरू किए थे। आपने जब इंग्लिश में टेंस पढ़ा होगा तो मैन इज मोर्टल को इनडायरेक्ट में भी सेम कहा जाता है। तो सबसे जो उन्होंने कहा था कि गौतम बुद्ध ने जो कहा था कि किसी भी व्यक्ति का जीवन जो है दुख से भरा हुआ है और इसका कारण है उसकी इच्छा शक्ति का होना, इच्छा का होना। और अगर कोई व्यक्ति अपने इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह अपने दुख के ऊपर भी उसी दिन विजय प्राप्त कर लेगा। ये गौतम बुद्ध ने काफी अच्छा तर्क दिया था जो आज भी हर किसी के जीवन में लागू होता है। तो अब आपको बता दें कि बौद्ध की चार आकृति मिली है और जिसमें चार आकृति में एक स्तूप मिला, स्तूप बौद्ध धर्म में ही बनाया जाता है। और यहाँ से चार अष्टदल की भी आकृति मिली है जिसमें गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन की जब बात करते हैं तो झारखंड में काफी है, आग्नेय चट्टानों के साथ साथ सेडिमेंट्री रॉक भी है सैंडस्टोन, तो वो गुलाबी कलर का और वो उसमें भी बना हुआ है आकृति गौतम बुद्ध की है। तो इससे भी पता चल रहा है कि उस काल में बौद्ध धर्म की जानकारी हो चुकी थी लोगों को। अब अगर आप विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे होंगे हजारीबाग में तो वहां का प्रतीक चिन्ह आप देखिएगा तो झारखंड के सिंबल से काफी अच्छा है और इसी चीज को अपनाया गया चूंकि वहां से एक खोज हुआ था हमारा। अब नवपाषाण काल को देखते हैं, जिसको इंग्लिश में अगर देखेंगे तो पूरा पाषाण का मतलब पैलियोलिथिक होता है, लिथिक का मतलब ही होता है स्टोन, लिथिक मतलब स्टोन पत्थर, इसलिए पैलियोलिथिक, पैलियो मतलब पुराना, मेसोलिथिक मतलब मध्यकाल का, नियोलिथिक मतलब नव पाषाण काल, पाषाण मतलब पत्थर, तो नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण काल जो 6000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के आसपास इसको समझेंगे एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी। और इसी काल में कुम्हार बर्तन बनाने की शुरुआत कर दिया था, मृदुभांड का निर्माण होने लगा था जो आप आगे चल करके देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका जिक्र आएगा, ब्लैक एंड रेड वेयर का, वैदिक काल में पेंटेड ग्रे वेयर का, तो ये सारी चीज की जानकारी हम देते ही रहेंगे आपको।
और इसकी अगर अवशेष खोजते हैं हम लोग तो ये रांची डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। लोहरदग्गा जो बॉक्साइट के लिए काफी फेमस है, लोहरदग्गा और सिंहभूम में देखने को मिलता है। तो जब ताम्रपाषाण काल की बात करते हैं तो ताम्रपाषाण काल में कॉपर, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि कॉपर की सबसे ज्यादा यूज करना शुरू हो गया होगा। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे तो उस समय में ब्रॉन्ज बनने की कला का विकास हो गया था, तो सिंधु घाटी से ये सभ्यता थोड़ी मिलती जुलती है, क्योंकि ताम्रपाषाण जिसको चालकोलिथिक आप बोल सकते हैं। और इसी काल में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अगर देखेंगे तो मेहरगढ़ के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी, जहां पर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में चावल का सबसे प्राचीनतम अवशेष मिलता है। जब चावल का पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पुराना अवशेष कहाँ है तो उसमें बताना है उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी, जो जगह है बेलन घाटी में मिलता है। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा जाएगा तो लोथल और रंगपुर से मिलता है, जानकारी जरूर से रखिएगा। पूरे भारतीय महाद्वीप के बारे पूछा जाएगा तो मेहरगढ़ या मेहगढ़ ये बोलेंगे। ताम्रपाषाण काल 3000-6000 ईसा पूर्व के बीच में, इसलिए इसको ब्रॉन्ज के साथ ये मिल रहा है दोनों पीरियड जो है। तो मोटे तौर पर समझेंगे तो हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा पहले की ये बात है। इसमें अलग अलग एरिया में जॉर्बे कल्चर ऐसे करके शुरुआत होता था, मतलब छोटे छोटे इलाके में ब्रॉन्ज की ज्यादा यूज की जा रही थी, माफ कीजिएगा कॉपर का ज्यादा यूज किया जा रहा था। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में अगर देखेंगे तो हड़प्पा वासियों को यहाँ से टीन भेजा जाता था, टीना का निर्यात शुरू हो गया था, तो ये एक अच्छी बात थी। और सिंहभूम तो इसमें केंद्रबिंदु था, तो सिंहभूम इस काल में भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इसी काल में असुर या विरजिक या बिरहोर ये सारी जो जनजातियां हैं जो तांबा गलाने का काम करती थी, बाद में लोहा वाले काम में ये लोग आ गए। ये काफी प्राचीन जनजाति है जिनको सरकार कहती है कि अगर ये मैट्रिक भी पास कर लें तो इनको हम नौकरी दे देंगे। कितना सच है ये आप जरूर से देखेंगे। झारखंड में अगर तांबे की कुल्हाड़ी के बारे बात करें तो ये भी मिला है, हजारीबाग के बरगंडा एक जगह है, और यहाँ से जो है लगभग 53-54 तांबे की चीजें प्राप्त की गई हैं। अब ब्रॉन्ज एज में अगर आ जाते हैं तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बड़ा अच्छा है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो गया, और खास करके इंडस नदी से अगर आप इसको एक मैप में समझना चाहेंगे तो भारत में ये सबसे ऊपरी पार्ट में मांडा एक जगह है, वहां से लेकर दक्षिण भारत में दानाबाद तक, और पूरब की ओर में आलमगीरपुर है, और वहां से लेकर सुतका गेंडर तक ये पाकिस्तान में है। यहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी। ये जो सभ्यता थी बहुत उन्नत किस्म की सभ्यता थी, और पके हुए ईंटे का प्रयोग इसी काल में शुरू हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। और कांस्य युग भी है इसमें, लेकिन इस काल में भी अगर देखेंगे तो असुर और बिरजिया बिरहोर ये सारी जनजाति जो थी वो तांबा गलाने का काम कर रही थी उस समय में, क्योंकि ब्रॉन्ज बनाने के लिए तांबा की जरूरत तो होती है टीना के साथ में, और तांबा के बाद ही कांस्य युग आ गया तुरंत, और ये परिवर्तन हुआ सिंधु घाटी में, जिसमें असुर और बिरजिया ये दो जनजाति का काफी अनुभव था, और इसलिए ये जनजाति ही महत्वपूर्ण है। दुमका से इसके कई अवशेष मिले हैं, और ये झारखंड में भी उस समय में कांसा बनाया जाता था। हालांकि इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का ज्यादा जिक्र है, उतना जिक्र झारखंड का नहीं हो पाया है। अगर मगध का तो क्षेत्र उस समय यही था ही, तो लोहा की जब बात होगी तो आज बिहार वाला पार्ट ऊपर चला गया और नीचे वाला जो पार्ट था मगध, तो ये मगध तो उस समय में पूरा इलाका होता था, इसलिए लोहे की जब बात होगी तो झारखंड का जिक्र होगा, और झारखंड में काफी जमाव है लोहा का, खास करके यहाँ पर हेमाटाइट जो लाल वाला आयरन होता है वो मिलता है ज्यादा संख्या में। लगभग आप देखेंगे 1000-1200 के आसपास का ये ईसा पूर्व में होगा। तो इसमें 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर जिसको बोलते हैं, इसको टर्की बोलते हैं, वहां पर लोहे का आविष्कार हो चुका था, और वहां से फिर भारत में थोड़ा डिले हुआ है। इसलिए कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि झारखंड में असुर जनजाति जो है वो 2000 ईसा पूर्व के पहले ही लोहे के बारे में उसकी जानकारी हो गई थी, लेकिन इसका लिखित साक्ष्य नहीं कहीं भी मिलता है। तो लोहे की तकनीक आविष्कार किया, और यहाँ की ही तलवार जो थी जो इस एरिया में जो होता था वो जाता था मेसोपोटामिया, मतलब
टिग्रिस और यूफ्रेट नदी के बीच का जो क्षेत्र होता था वो मेसोपोटामिया वाले इलाके में जो वर्तमान में इराक में पड़ता है तो जिसको मेसोपोटामिया बोलते थे वहां तक ये जाता था। उम्मीद है कि आपको विश्लेषण पसंद आया होगा ये, और इतिहास में लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी। इसके पहले हमने जो भी वीडियो बताया है आपको लिंक में आपको नीचे नजर आएगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।